चटके रहबो ठलाली रे भोसड़ी वाली, चटके रहबो ठलाली रे भोसड़ी वाली। लड़का से अनपूर्ण सभे बजई है ताली रे ताली, चटके रहबो ठलाली रे भोसड़ी वाली। तो और भैया क्या चल यार, तुम्हारा भाई आ चुका है नई वीडियो के साथ वापिस। और इस गेम प्ले में मैं एक दो क्लच करके बिल्कुल अपने आप को प्रो नहीं बोलूंगा, बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि मैं इतना बड़ा प्रो हूं कि साला बोट से भी मर जाता हूं। तो फिलहाल सामने की स्क्वाड उतरी थी और एक बंदा ऑफलाइन था, तो ये ऑफलाइन वाले को पहले मैं दे दिया और ये बंदा तो नीचे चला गया यार, मतलब नीचे भाग गए, क्योंकि उन पर गनी नहीं थी यार। मैं इतना मारा, मैं काया हुआ था, ये लोग डर चुके थे मेरे से बिल्कुल ही। तो इसके एक बंदे को तो मैं बिल्कुल खा गया था और बाकी जो नीचे बंदे थे वो नीचे साइड थे। तो यहाँ पे मेरे को वेस्ट नहीं थी ना, हेलमेट तो था लेकिन वेस्ट नहीं था। तो यहाँ पे मेरे को मिल जाती है वेस्ट और तभी एक भोसड़ी वाला सामने, मतलब बंदा सामने दिखता है और इसकी गांड में एक गोली तो लगी थी लेकिन वो बंदा चला गया, मतलब कवर में। तो यार यहाँ पे मतलब इनको मारना थोड़ा सा मुश्किल था, सिर्फ थोड़ा सा। तो मैं नीचे यहाँ से नहीं जा सकता था क्योंकि यहाँ पे पता नहीं कहाँ पर कैंप करके बैठे हुए थे ये लोग। और तो मैं यहाँ से नीचे गया और जब आया तो यहाँ पे दो जन दिखे मेरे को। और इस बंदे ने मेरी इतनी एचपी कर दी थी, मतलब देख रहे हो, अगर मैं यहाँ पे अपनी लुल्ली भी हिलाता हूँ तो फिर भी मर जाऊँगा मैं यहाँ पे, मतलब इतनी एचपी कर दी थी इस बंदे ने। तो यहाँ पे मेरे को हेल्थ में मिल जाता है दो बूस्टर जो मैं पी लेता हूँ और इनकी बारी होती है अब, क्योंकि इतनी भी हेल्थ में इनको मैं पील दूंगा इजीली। तो एक बंदे का मेरे को साउंड आ रहा था ये ऊपर वाली साइड से, और उसको जैसे नोक के इसके दूसरे बंदे को चरगी, मतलब पूरा गुस्से में आ गया वो कि पेल दे ही गया मेरे को। लेकिन नहीं, मैं यहाँ पे बचा के जैसे तैसे भाग जाता हूँ यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे अब एच पी देख रहे हो, पहले तो लुल्ली हिलाने से बजाय अब तो साला कोई फूक भी देगा ना फिर भी मर जाऊँगा मैं। तो यहाँ पे मैं चला जा रहा था, मैं जा रहा था वाटर पूल, क्योंकि यहाँ पे स्टेडियम में उतनी खास लूट थी नहीं। अब इन लोगों ने सबने लूटा हुआ था लेकिन मैंने सब पेटी नीचे खेल लोगों की जिसको मारा। तो यहाँ पे मेरे को बैंडेज पहन रहा था मैं यहाँ पे, तभी एक बंदा ओपन में टहलता हुआ दिखता है मेरे को। तैसे थोड़ी ना हो जाएगा, तुम ओपन में टहल लो और मैं छोड़ दूँ? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा मैं। और एक बंदे की तो मैंने पूरी बजा दी थी और पूरा भी ले लिया इसको, क्योंकि यार आप जो बंदा अपने सामने जो घुटने पे आया उसको लेने में क्या तकलीफ है अपने को, खुशी खुशी दे रहा आपको, खुशी खुशी लेगा। और ये जो बंदा था वो चला गया अंदर। अब इनके अभी भी दो बंदे बचे हुए थे, दो को तो जैसे तैसे मैंने पेल दिया था और बचे हुए थे दो जन, और दो जन भी थे उधर ही। तो बारी थी इनकी यार, इनके दो साथियों को मैंने तो बजा दिया था अच्छी तरीके से और ये भी दोनों बचे थे। और ये लोग भी कोई बोट वोट शायद मार रहे थे, मेरे को भी नहीं पता ये क्या बोट मार रहे थे, किसको मार रहे थे पता नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप बंदे तो थे ही नहीं। तो मैं घुस जाता हूँ इसको पेलने के लिए अब इसको, एक बंदे को तो मैं पेल देता हूँ अच्छी तरीके, पूरे अच्छी तरीके से तेल लगा के, और ये बंदे को मैं पूरा भी ले लेता हूँ। और तभी इसका दूसरा साथी आता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एम चूक गया था मेरा, लेकिन जैसे तैसे स्क्वाड को मैं निपटा दिया। और सच बोलूँ तो ये इन स्क्वाड को मारते मारते मेरे को पूरे 5 मिनट हो गए थे सच बोलूँ तो। अगर यहाँ पे बीच में काटा ना होता तो आपको पूरा 5 मिनट का क्लिप लगता ही है। अभी तो फिलहाल शुरुआत में वो लगा दिया था थोड़ा सा, इसलिए आपको लग रहा है ऐसा, लेकिन टाइम भी बहुत लग गया था उस वक्त। तो फिलहाल उनको मार के मैं निकल गया, ठीक है। और मेरे को मेन चीज़ थी यहाँ पे कार वार मिली नहीं और ये बोट वो लोग मिलने लगे लगातार। मेरे को पीछे भी एक बोट मिला था और मेरे को लगा क्या दिखाना आप लोगों को, लेकिन और इस बोट को जैसे मारा एक और बोट मिल गया मेरे को। और मेरे को यहाँ पे ये शक हो रहा था भाई लोबी कतई गलत तो नहीं लगी, कतई बोट वाली। तो यार जैसे तैसे अब मेरे को भागना था क्योंकि पूरा पीछे चेक किया, कार वार मिली नहीं मेरे को, इसलिए मेरे को तैर के डूब के ही जाना था जैसे तैसे जोन में। तो वही कर रहा था यार, अपनी कमर लचका लचका के जैसे तैसे जा रहा था जोन में।
और तो फाइनली गाइस मैं पहुंच जाता हूं ओल्ड में, और ओल्ड में आने के बाद से पता चलता है भाई सामने तो बंदे हैं, कतई फाइट वाइट भसर भसर मची थी, तो यार इनको भी देखना था। और मेरे को मैं वही देख रहा था भाई लौंडे है कहाँ पे, क्योंकि फायरिंग वारी कतई जहर वाली कर रहे थे ये लोग, वही मैं देख रहा था भाई, क्योंकि कोई भी बंदे की लोकेशन ही नहीं दिख रही थी मेरे को, बस इतना पता चल रहा था भाई सामने बंदे हैं। और एक बंदे ने इधर से भी फायरिंग किया था, तो इसको भी देखना था और सामने वाले देखना था, तो यार मैं सबसे पहले पीछे वालों को देखता हूँ। और इस बंदे की मतलब अच्छी तरीके से बजाता हूँ, लेकिन फिर भी ये बंदा बच जाता है, दूसरी तरफ चल जाता है। मेरे को ये नहीं लग रहा था भाई दूसरी वाले बंदे इसको क्यों नहीं मारे, क्योंकि अगर वो मार देते तो यार वो बंदा नॉक हो जाता था, लेकिन ये लोग मारे ही नहीं। तो मैंने भी लगाया 100 IQ वाला दिमाग, और मैं चल गया दो स्क्वाड के बिल्कुल बीचों बीच, मतलब सामने भी स्क्वाड और उस मेरे लेफ्ट साइड भी स्क्वाड। और ये भाई यहाँ पे पता नहीं खड़े होकर क्या कर रहे थे, और ये बंदा आया और जंप मार के घुटने टेक लिया। तो फिलहाल सामने वाले बंदे मेरे को अच्छी तरीके से ले रहे थे, तो यहाँ पे दो तरफ से मैं बिल्कुल अच्छी तरीके से घिर चुका था। तो यहाँ पे फेंकने लगा मैं स्मोक, क्योंकि एक स्मोक ऐसा सहारा था जो मेरे को जोन में तक भेज सकता था। तो यार अब तभी सामने वाले बंदे पीक वर्क कर रहे थे, तो इनकी मुंडी तोड़ी जा रही पहले। और यहाँ पे एक बंदे की मुंडी मैंने जैसे तोड़ी, इसका दूसरा बंदा आ गया। अब इन दोनों जाने की तो मैंने मुंडी अच्छी तरीके से तोड़ दी थी, और बाकी जो बंदे उचे तो उनकी बारी थी। और तभी मेरे को सामने भी एक बंदा था, और उधर से लेफ्ट साइड से मार ही रहे थे वो लोग मेरे को, तो मैंने भी यहाँ पे एक स्मोक फेंक लिया, एक अपने पास और एक थोड़ा आगे, कि मैं साथ में जोन में भी जा सकूं। और ये बंदा पीक से दे रहा था, इसकी भी मुंडी तोड़ी जाए, और इसको भी मैं कर देता हूँ नॉक। और इसके टीममेट कहाँ थे मेरे को कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि ये यहाँ पे अकेला ही फाइट लेने आया था मेरे से। तो यार यहाँ पे पहले अपनी हेल्थ करी मैंने, और इतनी सी हेल्थ में तो कोई भी बजा सकता था, लेकिन यहाँ पे अब हो चुकी थी मेरी हेल्थ, और मैं घुस गया इसको पेलने के लिए, और इसको भाई कर दिया मैंने फिनिश। और यहाँ पे भाई इतनी देर कार ढूंढने के बाद से फाइनली गाइस मेरे को मिल जाती है यहाँ पे एक जीप, तो लास्ट में ही मेरे को मिली यार, शुरुआत में तो कतई मिलने से रही है। तो यार मैं उठाया अपनी जीप, और जीप उठाने के बाद से मैं चला गया ट्रिपल स्टोरी, क्योंकि जोन में था और यहाँ से काफ़ी अच्छा एंगल बनने वाला था। दोनों मतलब अभी बंदे बचे हुए थे, आपको लग रहा था स्क्वाड है, लेकिन नहीं, सब अलग अलग बंदे हैं, एक स्क्वाड साथ में और एक बंदा अकेला है। और इस बंदे को जाके बताओ कोई ओपन में टहलना नहीं चाहिए, पहले भी मैं कितनी बार बोल चुका हूँ भाई ओपन में टहलने का नहीं, लेकिन ये बंदा यार सुनने से ही रहा। और इस बंदे को तो मैंने पेल दिया था अच्छी तरीके से, और बाकी जो इसके 3 teammates बचे हुए थे ना, वो कतई मतलब 2 teammates तो वो सामने की तरफ थे, और मेरे पे पीक वीक ले रहे थे, तभी ये बंदा भाग रहा था। और जाके बताओ यार ओपन में टहलने का नहीं। तो फिलहाल इसको तो मैंने पेल दिया, और सामने जो 2 बचे हुए थे ये लास्ट ही थे, और ये लोग मेरे पे पुश कर रहे थे, और मैं इन पे नेड वेड फेंक रहा था, क्योंकि मेरे पे नेड था। तो इन लोगों भी दिमाग लगाने लगे, स्मोक फेंक के आने लगे मेरे पास। तो मैं सोच रहा था भाई कोई ओपन से आए तो मैं भरूं, लेकिन यार कोई ओपन से आ ही नहीं रहा था, सब स्मोक फेंक के आ रहे थे। और एक बंदा दिखा, लेकिन यहाँ से पीक नहीं हो सकता था, मेरे को अच्छी तरीके से पता है सही से नहीं हो पाता, इसलिए मैंने पीक ही नहीं लिया। और बंदे आ गए मेरे पे, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे मोली फेंक दी, क्योंकि यार दोनों साथ में नहीं आएंगे कम से कम। और इसको जैसे नॉक किया, दूसरा बंदे की चूल देखो जरा, लेकिन यार इसको भी मार दिया मैंने, कि अगर तुम घुटने टेक रहे हो अपने सामने तो हम भी वो उतना शरीफ नहीं है यार। तो फिलहाल तो गाइस हो जाता है कोरिजिच कंटेनर। अगर आप लोगों को गेम प्ले पसंद आए तो वीडियो कर दिया लाइक, और चैनल पे नए हो तो चैनल कर दिया सब्सक्राइब, और क्या बस कुछ नहीं। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।